दोस्तों इधर चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया तो भाजपा तुरंत बैकफुट पर आ गई। भाजपा ने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि अब वो तो हो नहीं पाएगा जो भाजपा चाह रही थी। भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि जल्द से जल्द चुनाव हो क्योंकि तब तक हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को इतनी देर तक कैसे खींचा जाएगा भाई, इतनी देर तक या इतने दिनों तक उस पूरे मुद्दे को कैसे भुनाया जाएगा। तो इससे अच्छा है चुनाव जल्दी हो जाते तो भाई हमारा थोड़ा सा भला हो जाता। मतलब चुनाव आयोग ने सोचा नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सुध नहीं ली और भाजपा ने यहां पर देखिए अपने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। अब चुनाव आयोग ने झटका क्या दिया है ये तो आपको बताऊंगी ही, लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में क्या करना शुरू कर दिया है, नया खेल कौन सा शुरू किया है, वो भी राम मंदिर को लेकर, यानी तुष्टीकरण की राजनीति किस तरीके से शुरू है, कितने चरम पर है, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इस वक्त राम मंदिर के मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है, भले ही उसके लिए विपक्ष को क्यों ना घेरना पड़े, विपक्ष को हिंदू विरोधी क्यों ना बताना पड़ जाए, विपक्ष को देशद्रोही क्यों ना बताना पड़ जाए, लेकिन सब कुछ किया जाएगा। कहते ना साम दाम दंड भेद, हर तरह की नीति अपनाई जाएगी चुनाव तक, उसके बाद तो जब एक बार सरकार बन गई फिर तो सब कुछ हमारा ही है, फिर तो बल्ले बल्ले है, तो तब तक जो भी संघर्ष करना है कर लेते हैं। बेशक ये जो संघर्ष है दोस्तों मैनिपुलेशन वाला संघर्ष क्यों ना हो, यानी हथकंडों वाला संघर्ष क्यों ना हो, असल में जिसको आप संघर्ष नहीं कहेंगे लेकिन हो सकता है भाजपा के मुताबिक वो संघर्ष हो। अब मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग ने झटका दिया है किसको, भाजपा को। चुनाव आयोग ने झटका बीजेपी को चुनाव की तारीखों को लेकर दिया है। बीजेपी पूरी कोशिश में थी, हो सकता है आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि थोड़े समय से हो सकता है ऐसा आरोप देखिए लगाया भी गया कि बीजेपी ये चाह रही थी कि जल्द से जल्द चुनाव हो क्योंकि मुद्दे इतने हैं नहीं जिन मुद्दों को इतने समय तक खींचा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, जो वो चाह रही थी उसका बिल्कुल उलट हुआ है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया बीते दिनों और वो जो तारीखें हैं वो सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि मार्च में चुनाव करवाने की पुष्टि कर रही है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर है जिसका कहना है कि 10 मार्च तक राज्यों का चुनाव कराने की तैयारी में इस वक्त चुनाव आयोग है, यानी 10 मार्च तक चुनाव होगा। चुनाव की तैयारियां शुरू करने के लिए चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों को निर्देश पहुंचा दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि आप जल्द से जल्द 10 मार्च तक अपनी पूरी की पूरी तैयारी पूरी कर लें क्योंकि 10 मार्च के बाद ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अब मार्च आने में दोस्तों तकरीबन 2 महीना तो बाकी है ना, 2 महीने कैसे एक ही मुद्दे को भुनाया जाएगा, ये सोच में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पड़ गई है। इसीलिए दोस्तों क्योंकि राम मंदिर के नाम पर ही वोट बटोरे जाएंगे, शायद हो सकता है कि राम मंदिर का नाम ले लेकर ही वोटों की गिनती हो, इसीलिए अब हुआ ये है कि भाजपा ने विपक्ष को राम विरोधी बताना शुरू कर दिया है, उसको राम का पालन राम को पूजने वाला ना पूजने वाला घोषित करना शुरू कर दिया है। दोस्तों बाकायदा एक पोस्टर शेयर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से जिसमें उन नेताओं की तस्वीरें हैं जिन्होंने इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अलग अलग पार्टियों के नेतागण हैं, उनमें ममता बनर्जी हैं, सोनिया गांधी को शामिल किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल है दोस्तों, इसके साथ साथ अधीर रंजन चौधरी को शामिल किया गया है, सीपीआई के भी नेता हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जिसने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया उन सभी का एक पोस्टर तैयार किया गया और उस पोस्टर को वायरल करवाना शुरू कर दिया गया ये कहते हुए कि इन्होंने राम मंदिर में आने से मना कर दिया है, ये राम विरोधी है, ये सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते, ये इंडी गठबंधन के लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, ये करार देना शुरू कर दिया है दोस्तों। हालांकि देखिए अगर इस पूरी खबर की बात की जाए तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये नहीं पता होगा किसी को कि राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी राजनीति का अखाड़ा बनाएगी और उस राजनीति का अखाड़े में कैसे घेरा जाएगा सामने वाली पार्टियों को, ये सबको मालूम था, भाजपा के अलावा विपक्ष को भी ये मालूम होगा, लेकिन न जाने भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे बिछाए गए जाल में विपक्ष कैसे फंसता चला जा रहा है, ये बात समझ से परे है दोस्तों।
ये बात देखिए पहले से ही तय थी कि राम मंदिर का मुद्दा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और उसके नाम पर राजनीति कर रही है, तो कई ऐसी विपक्षी पार्टियां होंगी जो राम मंदिर के इस मुद्दे का हिस्सा बनने से खुद को पीछे खींचेंगी। और वही हुआ है, ममता बनर्जी ने जाने से इनकार कर दिया। कुछ समय पहले कांग्रेस ने इस बात की घोषणा कर दी, हालांकि कांग्रेस की तरफ से पहले कोई घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन फिर कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा की गई और कह दिया गया कि नहीं, हम भी नहीं शामिल हो रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम में। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, सब पर निगाहें टिकी हुई थी कि कांग्रेस क्या बोलती है, कांग्रेस शामिल होती है कि नहीं होती है। देखिए, आपने इन्विटेशन पहुंचा दिया, आपका काम आपकी तरफ से पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण तमाम टीवी डिबेट्स में जा जाकर कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर रहे, विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा कि अगर आपने जिसको इनविटेशन दिया है उसको आना ही पड़ेगा? भगवान में आस्था होनी चाहिए। आपके दिल में राम बसते हैं तो जरूरी नहीं कि मंदिर जाकर उनकी पूजा की जाए। राम तो दिल में बसते हैं, राम भगवान को भजना हो तो आप कहीं पर भी खड़े खड़े भी उनको भज सकते हैं, आप चल चल के भी उनको भज सकते हैं। राम तो आस्था देखते हैं, लेकिन क्या आस्था के नाम पर राजनीति नहीं की जा रही है? आस्था के नाम पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा रही हैं? ये सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। देखिए, कितने भी दल हो, आपने उनको इनविटेशन दे दिया, आपका काम पूरा। अब वो जाए ना जाए ये तो उनकी खुद की मर्जी होनी चाहिए ना, लेकिन जनता को ये दिखाया जा रहा है, खासकर उन लोगों को जिनको हो सकता है कि बीजेपी टारगेट कर रही हो दोस्तों चुनाव के लिए, उन लोगों को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए इकलौती पार्टी भाजपा ही है जो पूरे देश विदेश में सनातन का परचम लहरा पाएगी, बाकी विपक्ष के कोई ऐसा कोई नेता नहीं होगा या कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो सनातन धर्म को साथ लेकर आगे चलने की बात कहे। लेकिन हम तो सनातन धर्म को ऊपर पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसकी कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ एक और मुद्दा भाजपा ने खड़ा कर दिया। भाजपा ऐलान कर रही है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर यही ऐलान है दोस्तों, क्योंकि जब सोचिए मार्च में तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो मार्च तक राम मंदिर के मुद्दे को भुनाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या किया गया है जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक खबर दिखा रही हूं मैं आपको, क्या है इस खबर में, इस बात को ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं चुनावी मौसम में राम के नाम पर राजनीति की बात क्यों कर रही हूं। दोस्तों, ये जो खबर है कहती है कि भाजपा अयोध्या में भक्तों के खाने पीने का मार्च तक इंतजाम कर रही है। मार्च में चुनाव होने हैं, मार्च तक के लिए इंतजाम कर रही है। उसका कहना है कि अगले 2 से 3 महीने तक जितने भी तीर्थयात्री अयोध्या आएंगे उनके रहने का खर्चा, उनके खाने पीने का खर्चा, सब कुछ भाजपा उठाएगी, सबका इंतजाम भाजपा करेगी। तो इसको चुनावी मौसम में डर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए दोस्तों? क्या चुनाव तक, चुनाव आने तक आपके पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जिस पर आप जनता को ये विश्वास दिला सके कि हाँ उनके लिए आगे आप काम करेंगे सिवाय राम मंदिर के? राम भगवान का नाम जपना और राम के नाम पर राजनीति करना, ये दो अलग अलग बातें हैं जो अब निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।